नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। महामारी के खिलाफ इस लड़ाई में किसानों के साथ तमाम जानकारियां लेकर हाजिर हैं हम अपने विशेष कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की और देखते हैं क्या है विशेष। सबसे पहले नजर खास खबरों पर। गेहूं के बाद धान ने भी तोड़े सरकारी खरीद के सारे रिकॉर्ड। 8 करोड़ टन के पार पहुंची सरकारी खरीद। भारत सरकार 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को निशुल्क देगी टीका। काली मिर्च के लिए सूक्ष्म पोषक सूत्रीकरण को मिला पेटेंट। गेहूं के बाद धान की भी सरकारी खरीद ने पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और 4 जून तक जो आंकड़े सामने आए हैं वो बताते हैं कि अब तक धान की 8 करोड़ टन तक की खरीद हो चुकी है और ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। तो आइए देखते हैं इससे जुड़ी हमारी रिपोर्ट। खरीफ विपणन सत्र 2020-21 में धान की खरीदारी सुचारू रूप से चल रही है। अब तक खरीदी गई 8,05,21,000 टन में खरीफ और रबी दोनों फसलों के आंकड़े शामिल हैं। 4 जून तक खरीफ के दौरान खरीदारी 7,06,93,000 टन है, जबकि रबी मौसम में 98,28,000 टन धान MSP पर खरीदी गई थी। इससे पहले सरकार ने सबसे ज्यादा 7,73,45,000 टन धान खरीफ विपणन सत्र 2019-20 में खरीदी थी। मौजूदा खरीफ विपणन सत्र में लगभग 1,19,42,000 किसानों को 1,52,022 करोड़ से भी ज्यादा रकम का भुगतान किया जा चुका है। वहीं रबी विपणन सत्र 2021-22 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के अलावा जम्मू और कश्मीर में गेहूं की खरीद हो रही है। 4 जून तक 4,13,91,000 टन गेहूं खरीदा जा चुका है, जबकि पिछले साल इस अवधि तक खरीदारी 3,68,45,000 टन थी। गेहूं की खरीद के भी सारे रिकॉर्ड पहले ही टूट चुके हैं। इससे पहले एक सत्र में खरीदारी का रिकॉर्ड 3,89,92,000 था। बहरहाल इस साल अब तक की खरीदारी से करीब 45,06,000 किसान MSP का लाभ ले चुके हैं और उन्हें 81,747 करोड़ से भी ज्यादा रकम का भुगतान किया जा चुका है। खरीफ 2020-21 और रबी 2021 के तहत 4 जून तक सरकार 7,51,279 टन से भी अधिक मूंग, उड़द, तुअर, चना, मसूर और मूंगफली के अलावा सरसों और सोयाबीन की खरीदारी कर चुकी है। इससे तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा और राजस्थान के 4,43,412 किसानों को करीब 3,928 करोड़ रुपए की आय हुई है। राज्यों से मिले प्रस्तावों के आधार पर तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा और मध्य प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश से खरीफ विपणन सत्र 2020-21 और रबी विपणन सत्र 2021 के लिए 1,07,81,000 टन दलहन और तिलहन की खरीदारी को भी मंजूरी दी गई थी। ये मंजूरी मूल्य समर्थन योजना के तहत दी गई है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल से 1,74,000 टन बारहमासी खोपरा खरीदने की भी स्वीकृति दी गई है। अगर अधिसूचित फसल अवधि के दौरान संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बाजार की दरें MSP से नीचे चली जाती है तो केंद्रीय नोडल एजेंसियां मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत दलहन, तिलहन और खोपरा की खरीद के प्रस्तावों की भी मंजूरी दी जाएगी। इसी तरह से 5,089 टन खोपरा की खरीद कर्नाटक और तमिलनाडु से की गई है। इससे 3,961 किसानों के खाते में 52,40,00,000 रुपए की अदायगी हुई है। फसल सीजन 2021-22 के लिए तमिलनाडु से 51,000 टन खोपरा खरीदने की मंजूरी दी गई है। इसके लिए राज्य सरकार निर्धारित तिथि से खरीद का काम शुरू कर देंगे। प्रधानमंत्री ने COVID-19 महामारी के चपेट में आए लोगों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। उन्होंने कहा कि बीते 100 वर्षों में आई सबसे बड़ी आपदा है जिसे आधुनिक युग ने ना तो कभी देखा ना ही इसका अनुभव किया। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि पूरे देश में कई मोर्चों पर इससे लड़ाई के लिए तमाम चुनौतियों को पार करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही COVID-19 से जुड़ी हुई कई घोषणाओं के बारे में भी जानकारी दी। आज पूरे विश्व में
वैक्सीन के लिए जो मांग है उसकी तुलना में उत्पादन करने वाले देश और वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां बहुत कम है, इन्हीं गिनी हैं। कल्पना करिए कि अभी हमारे पास भारत में बनी वैक्सीन नहीं होती तो आज भारत जैसे विशाल देश में क्या होता। आप पिछले 50-60 साल का इतिहास देखेंगे तो पता चलेगा कि भारत को विदेशों से वैक्सीन प्राप्त करने में दशकों लग जाते थे। विदेशों में वैक्सीन का काम पूरा हो जाता था तब भी हमारे देश में वैक्सीनेशन का काम शुरू भी नहीं हो पाता था। हमने बच्चों को कई जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए कई नए टीकों का भी भारत के टीकाकरण अभियान का हिस्सा बना दिया। हमने इसलिए किया क्योंकि हमें हमारे देश के बच्चों की चिंता थी, गरीब की चिंता थी, गरीब के उन बच्चों की चिंता थी जिन्हें कभी टीका लग ही नहीं पाता था। हम 100% टीकाकरण कवरेज की तरफ बढ़ रहे थे कि कोरोना वायरस ने हमें घेर लिया। देश नहीं तो देश में 23 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है, 23 करोड़। साथियों, हमारे यहां कहा जाता है विश्वासेन सिद्धि ही, अर्थात हमारे प्रयासों में हमें सफलता तब मिलती है जब हमें स्वयं पर विश्वास होता है। आज देश में 7 कंपनियां विभिन्न प्रकार की वैक्सीन का प्रोडक्शन कर रही है। 3 और वैक्सीन का ट्रायल भी एडवांस स्टेज पर चल रहा है। वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए दूसरे देशों की कंपनियों से भी वैक्सीन खरीदने की प्रक्रिया को तेज किया गया। तो अभी आपने जाना प्रधानमंत्री ने कोविड-19 से जुड़ी कौन कौन सी घोषणाएं की हैं। इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हमारा विशेष कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत जारी रहेगा, कहीं मत जाएगा, बने रहे हमारे साथ। छोटा सा ब्रेक। क्या आप किसी बीमारी से परेशान है, चाहते हैं डॉक्टर की सलाह, तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के, घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत, और आइए इस भाग में आपकी मुलाकात करवाते हैं मध्य प्रदेश के खरगोन के कामयाब किसान मोहन सिंह सिसोदिया से, जिन्होंने अपनी लगन, मेहनत और इच्छा शक्ति से कामयाबी हासिल की और अन्य किसानों के लिए भी वो मिसाल बने हैं। तो आइए देखते हैं उनकी कामयाबी की कहानी। मध्य प्रदेश के खरगोन में रहने वाले मोहन सिंह सिसोदिया ने किसानों के बीच अपनी बेहतर छवि बनाई है। मोहन सिंह सिसोदिया की आयु अभी 38 वर्ष है और उन्होंने अपने और अपने परिवार के लिए सम्मानजनक काम किया है। सिसोदिया ने 1997 में खरगोन से उच्च माध्यमिक पास की, इसके बाद खेती करने लगे। साथ ही आत्मनिर्भरता की ललक ने उन्हें स्वनियोजित बनने के लिए प्रेरित किया।
इस विचार ने उन्हें किसानों के लिए अच्छी गुणवत्ता के उत्पादन और आपूर्ति के लिए 2007 में वेदश्री बीज उत्पादक सहकारी संस्था नामक किसानों के एक समूह बनाने और पंजीकरण करने के लिए प्रेरित किया। हालांकि शुरुआत में अनुभव की कमी और अन्य सदस्यों के असहयोग के कारण वो असफल रहे। इस संबंध में मोहन सिंह सिसोदिया ने 2011 में खरगोन के कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों से मुलाकात की। उन्होंने समूह के सामने आ रही समस्याओं के बारे में बताया। सिंह को कृषि विज्ञान केंद्र का पूरा समर्थन मिला। कुछ समय बाद उनके जीवन में नया मोड़ आया जब कृषि विज्ञान केंद्र ने किसानों को प्रसार गतिविधियों से संबंधित प्रशिक्षण देने के साथ साथ उनके गांव को गोद लिया। ये बेहद सुनहरा अवसर था। सिसोदिया ने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समर्पण भाव रखा और जी तोड़ मेहनत की। उनके पास 2017 में दुनिया के साथ साझा करने के लिए कई बेहतरीन कहानियां थी। सिसोदिया ने कई उपलब्धियां हासिल की। व्यवसाय की सुगमता के लिए उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार से लाइसेंस लेकर उद्यम स्थापित किया। प्रतिष्ठित संगठनों जैसे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान इंदौर, राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर और मध्य प्रदेश बीज संघ से गेहूं, चना और सोयाबीन की उच्च पैदावार वाली ब्रीडर यानी फाउंडेशन बीज प्राप्त किया। सिसोदिया ने खरगोन जिले के 25 गांवों से लगभग 500 किसानों को संगठित किया और आज वो 2500 एकड़ जमीन में बीज उत्पादन कर रहे हैं। उन्होंने अपने गांव में प्रसंस्करण और पैकेजिंग सुविधा वाले बीज प्रसंस्करण संयंत्र में ग्रेडर, ग्रेविटी सेपरेटर, डेस्टोनेटर, बीज ट्रीटर, 3000 मीट्रिक टन की स्टोरेज क्षमता वाली स्वतः वजन और बैगिंग मशीन यूनिट के साथ साथ सदस्य किसानों से प्राप्त बीज को संसाधित किया। इस प्रक्रिया में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया IDBI, सहकारी बैंक और नाबार्ड से प्राप्त कुल 2 करोड़ रुपए का ऋण शामिल था। 2011 में कुल 86 पंजीकृत किसान थे और कुल बीज उत्पादन 1109 क्विंटल रहा। 2017 में पंजीकृत किसानों की संख्या 500 तक जा पहुंची और बीज उत्पादन भी बढ़कर 22314 क्विंटल हो गया। इस संयंत्र ने क्षेत्र में सबसे अच्छे बीज प्रसंस्करण संयंत्र के रूप में काम किया। सिसोदिया द्वारा उत्पादित बीजों की सर्वोत्तम गुणवत्ता के बारे में जानते हुए एक बीज कंपनी ने 2016 में 5000 क्विंटल हाई 1544 गेहूं के बीज का उत्पादन करने के लिए समझौता किया। सिसोदिया न केवल सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता वाले गेहूं के बीज बनाने के लिए अपने लोकप्रिय ब्रांड के निर्माण में सफल रहे बल्कि 46 कुशल मजदूरों को रोजगार के अवसर प्रदान करने में भी सफल रहे जो अब अपने और अपने परिवारों के लिए रोटी कमाने में सक्षम हैं। अब सिसोदिया का उद्यम आसपास के लगभग 100 गांवों तक फैल गया है और उनसे 2000 से भी अधिक किसान जुड़ गए हैं। सिसोदिया का सालाना कारोबार 6,26,00,000 रुपए तक जा पहुंचा है जिससे हर साल 16,18,000 रुपए का शुद्ध लाभ हो रहा है। मोहन सिंह सिसोदिया ने किसानों के लिए मिसाल कायम की है, रोजगार के लिए एक नया मार्ग प्रशस्त किया है, यूं कहा जाए कि उन्नति का दरवाजा खोला है। सिसोदिया ने जो काम किए हैं उससे प्रेरणा लेकर खरगोन ही नहीं दूसरे इलाकों के किसान भी उन्नत खेती करने लगे हैं। एक तरफ COVID-19 महामारी की चुनौती, वहीं दूसरी तरफ मॉनसून। ऐसे में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने पशुपालन को लेकर एक एडवाइजरी जारी की है, आइए देखते हैं। बरसात के दौरान पशुओं को कई तरह की बीमारियां लगती है, इसके लिए टीकाकरण होता है। पशु चिकित्सकों ने डोर टू डोर टीकाकरण करने की सलाह दी है। साथ ही पशुपालकों से कहा गया है कि पशुओं को नियमित रूप से खनिज मिश्रण देते रहे, खासकर दुधारू पशुओं के लिए खनिज की मात्रा 50 से 60 किलो प्रतिदिन होनी चाहिए। देश कोरोना महामारी के संकट से भी जूझ रहा है। सरकार ने पशु, मुर्गियां या फिर उनके लिए दवाएं वगैरह खरीदने की अनुमति दे रखी है। खरीदारी करते समय पर्याप्त दूरी बनाए रखें और साफ सफाई का भी ख्याल रखें। दूध निकालते समय, चारा देते समय या फिर पशुओं को एक जगह से दूसरी जगह बांधते समय भी साफ सफाई बनाए रखें। कोई भी काम करने से पहले और बाद में साबुन से हाथ धोते रहें। जहां हरे चारे या सांद्र भोजन की कमी दिखाई दे रही है वहां किसान गेहूं, मक्का, गेहूं की भूसी, सरसों की खली और नमक का इस्तेमाल करते हुए घर पर ही चारा तैयार कर सकते हैं। पशु बांधने की जगह के फर्श को फिनाइल से साफ करते रहें। तबेले को संक्रमण मुक्त करने के लिए रखें। सोडियम हाइड्रोक्लोराइड
हाइड्रोजन परऑक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जा सकता है। पानी पीने और चारे वाली नान को भी संक्रमण से बचाने के लिए कली का लेप कर ले। किसी भी रसायन का छिड़काव पशु के शरीर पर, उसके चारे पर या दूसरे भोजन पर ना करें। ये भी ध्यान रखें कि आपका पशु ज्यादा देर तक भूखा प्यासा ना रहे, इससे पशु कुपोषण का शिकार हो सकता है। जिन किसानों के पास स्मार्टफोन है वो आरोग्य सेतु ऐप जरूर डाउनलोड कर ले। ये भारत सरकार का ऐप है जो कोविड-19 की निगरानी रखता है और लगातार दिशा निर्देश जारी करता रहता है। इसी के साथ ही आत्मनिर्भर भारत में यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, बने रहे हमारे साथ। छोटा सा ब्रेक। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। केरल के कोझिकोड में स्थित भारतीय मसाला अनुसंधान को काली मिर्च में माइक्रो न्यूट्रिएंट सूत्रीकरण को पेटेंट प्राप्त हुआ है। आपको बता दें कि 2013 में इसके लिए आवेदन किया गया था और 3 वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत के बाद ये संभव हो पाया है। आइए देखते हैं इसे जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान मसालों में सूक्ष्म पोषक तत्वों यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट और उपापचय संबंधी की कमी को दूर करने की कोशिश कर रहा है। इस दिशा में उसने फसल विशेष को ध्यान में रखकर सूक्ष्म पोषक सूत्रीकरण तैयार किया है। खास तौर से काली मिर्च, हल्दी, अदरक और इलायची का सूक्ष्म पोषक सूत्रीकरण विकसित हो चुका है, बल्कि अदरक और हल्दी को तो पहले ही इस तरह का पेटेंट मिल चुका है। अब इस सूची में काली मिर्च का भी नाम जुड़ गया है। सूक्ष्म पोषक सूत्रीकरण विकसित करने का श्रेय डॉक्टर वी श्रीनिवास, डॉक्टर आर दिनेश और डॉक्टर एस हमजा की टीम को जाता है। काली मिर्च को दरअसल इस तरह के पोषण की जरूरत थी। ये सूत्रीकरण काली मिर्च की पत्तियों में मैग्नीशियम, जिंक और बोरॉन जैसे द्वितीयक पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाने का काम करेगा। इस माइक्रो न्यूट्रिएंट सूत्रीकरण को पौधे की पत्तियों पर 2 से 3 बार छिड़कना होता है। छिड़काव के लिए 1 लीटर पानी में 5 ग्राम माइक्रो न्यूट्रिएंट सूत्रीकरण मिलाना होगा। पहला छिड़काव मानसून की दस्तक के समय करना है और बाकी 2 एक-एक महीने बाद। माइक्रो न्यूट्रिएंट मिश्रण की छिड़काव से फसल की गुणवत्ता बेहतर होती है और बेल के साथ साथ पत्तियों को भी मजबूती मिलती है। पानी में घुलनशील सूक्ष्म पोषक मिश्रण पर्यावरण के अनुकूल है और इससे उपज घनी हो जाती है। ये सूत्रीकरण पहले ही बहुत से किसानों के बीच लोकप्रिय है। पिछले कुछ सालों के दौरान ये तकनीक काली मिर्च के 8 से 10% रकबे पर अपनाई जा रही थी, जिसे पैदावार में 10 से 25% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। अब तक 7 कंपनियों को इस तकनीक का लाइसेंस जारी किया जा चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कंपनियां इसे तैयार करके किसानों को बेच सकेंगी। सोयाबीन खरीफ सीजन की मुख्य तिलहनी फसल है। ऐसे में हमारे किसान अगर उन्नत किस्म का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें अच्छी फसल प्राप्त हो सकती है। इसके साथ ही साथ विशेषज्ञों की सलाह भी बहुत महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं कि सोयाबीन की फसल को लेकर क्या है विशेषज्ञों की सलाह। सोयाबीन खेती करने के लिए सबसे पहले जरूरी होते हैं भूमि निर्वाचन, कौन सी जमीन में सोयाबीन बढ़िया होती है। रेतीली लोम या दोमट जमीन
या जिस जमीन में कार्बनिक जैविक कार्बन सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है उस जमीन में सोयाबीन खेती बहुत बढ़िया होता है। सोयाबीन जहाँ किया जाता है उस जमीन पे हर 2-3 साल के बाद कम से कम एक बार गहरी जुताई कर लेना चाहिए। वर्षा आने के बाद सोयाबीन बोने के लिए फील्ड को कम से कम 2 या 3 बार कल्टीवेटर और पाटा चलाकर समतल कर लेना चाहिए। अंतिम बार कल्टीवेटर चलाने के समय प्रति हेक्टर के लिए 5 से 10 टन गोबर का खाद या 2.5 टन मुर्गी का खाद मिलाकर दे देना चाहिए। उत्तर मैदानी क्षेत्र जिसमें हमारा दिल्ली भी शामिल है, इसमें सोयाबीन के किस्में जैसे पूसा 12, SL 952, NRC 130 आदि उत्तम किस्में माना जाता है। मध्य क्षेत्र के लिए जिसमें मध्य प्रदेश भी आते हैं उसके लिए JS 2034, JS 116, JS 335, NRC 128 आदि उत्तम किस्में माना जाता है। सोयाबीन का बीजों का अंकुरन 100% 70 से कम नहीं होना चाहिए। अगर 70% से कम है तो सोयाबीन का बीज का दर भी उसी हिसाब से बढ़ाना चाहिए। बुआई से पहले सोयाबीन बीजों को थेराम, कार्बेंडाजिम आदि दवाई से शोधन कर लेना चाहिए। रीज एंड फारो पद्धति या चौरी करियों के ऊपर सोयाबीन का सोइंग करना चाहिए। सोयाबीन का बोनी हमेशा कटारों पर करना चाहिए। एक कटारों से दूसरी कटारों का दूरी 35 से 45 सेंटीमीटर होना चाहिए। पौधों से पौधों की दूरी भी 4 से 5 सेंटीमीटर होना चाहिए और सोयाबीन के बीज 3 से 4 सेंटीमीटर की ज्यादा गहराई में बोना नहीं चाहिए। हर प्रति हेक्टर में 65 से लेकर 75 किलोग्राम बीजों का जरूरी होता है। प्रायः प्रति हेक्टर के लिए 56 किलोग्राम यूरिया, 450 से लेकर 625 किलोग्राम सुपरफॉस्फेट एवं 34 से लेकर 84 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से म्यूरेट ऑफ पोटास व्यवहार करना जरूरी होता है। जून 15 या 20 से जुलाई 5 तक यह समय सोयाबीन बोने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। सोयाबीन वर्षा निर्भर फसल है, परंतु लंबी अवधि तक अगर बारिश नहीं होते हैं तो सोयाबीन में जल प्रबंधन का बंदोबस्त करना जरूरी होता है। नवजात पौधा, फल आना, फली भरना, इस समय पानी का बहुत जरूरी होता है। सोयाबीन का दूसरा समस्या होता है खरपतवार। खरपतवार नियंत्रण करने के लिए दवाई भी छिड़काव कर सकते हैं, परंतु विशेषज्ञों की सलाह पर ही ये काम करना चाहिए, इससे फलों का नुकसान नहीं होता। कोरोना महामारी के इस दौर में भी किसान लगातार खेतों में बने रहें ताकि हमारे घरों तक भोजन पहुंचता रहे। हमारी सरकार की तरफ से भी ऐसे कदम उठाए गए ताकि कृषि कार्य सुचारू रूप से चलें और किसी तरह का व्यवधान उसमें ना पड़े, चाहे वो बुआई हो, कटाई हो या फिर विपणन से जुड़ी हुई गतिविधियाँ हों। आइए आपको बताते हैं कि सावधानियों को लेकर ICAR की तरफ से कौन सी गाइडलाइंस जारी की गई हैं। किसान फसल भी काटेंगे और फिर उसे बाजार भी लेकर जाएंगे। ये ऐसे काम है जिन्हें कोरोना संकट के बीच भी टाला नहीं जा सकता। किसानों का काम भी चलता रहे और बीमारी का फैलाव भी ना हो, इसके लिए कई तरह की सावधानियां अन्नदाता को अपनानी होगी। जैसे बार बार साबुन से हाथ धोना, सामाजिक दूरी बनाए रखना, चेहरे पर मास्क लगाना, औजारों और मशीनों की साफ सफाई का ख्याल रखना, यानी मशीनों को सैनिटाइज करते रहे। इसी तरह परिवहन वाहनों, जूट बोरों या दूसरे पैकेजिंग सामान को भी इस्तेमाल से पहले सैनिटाइज करें। बेहतर होगा कि ज्यादातर काम मशीनों से किया जाए और मशीन के पास केवल आवश्यक संख्या में ही मजदूरों को जाने दिया जाए। जिन हिस्सों में कटाई या चुनाई का काम हाथों से हो रहा है, वहां 4 से 5 फीट की पट्टियों में काम करें। इससे मजदूरों के बीच दूरी बनाने में मदद मिलेगी। जहां तक संभव हो कृषि कार्य समय अंतराल पर करें ताकि बहुत ज्यादा मजदूर इकट्ठा ना हो। काम पर जाने पहचाने लोगों को ही लगाए और उनसे भी जरूरी पूछताछ कर ले ताकि संदिग्ध या विषाणु वाहक शख्स से बचा जा सके।
कटाई के बाद फसल का संग्रहण 3 से 4 फीट की दूरी पर छोटी छोटी ढेरियों में किया जा सकता है। साथ ही खेत के स्तर पर प्रसंस्करण के दौरान प्रति ढेरी 1 से 2 व्यक्तियों दिया जाना चाहिए। गेहूं, मक्का और मूंगफली के लिए उपयोग में लाए जाने वाले थ्रेशर की भी उचित साफ सफाई करें। मशीनों के जिन हिस्सों को बार बार हाथ से छूने की जरूरत पड़ती हो उन्हें साबुन से धोते रहें। इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम में जो जानकारियां हमने आप तक पहुंचाई हैं उनसे हमारे किसानों को जरूर लाभ होगा। जाते जाते यही कामना करते हैं कि हमारे किसान सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और संक्रमण से बचाव के तमाम उपाय अपनाते रहें। दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।